嗯。 अस्सलाम वालेकुम तो क्या हाल है आप सबका अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ दुआ करती हूँ ताला आप सबको ठीक रखे खुश और आबाद रखे तो आज ना ये जो रमज़ान के सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ अपनी तैयारियाँ शेयर कर रही हूँ उसके आज मैं लास्ट एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि माशाल्लाह से सुबह से रमज़ान मुबारक का फ़र्स्ट डे है तो ये इस टाइम मैं जा रही थी जॉब पर आ, बस का इंतजार आजकल मैं बस पे जा रही हूँ किन्जा के पास गाड़ी होती है और जो लोग मुझे मेरे व्यवस्था जो जानते हैं उन्हें पता है तो आ, बाद में घर आके खाना छाना बच्चों को दे के ना मैंने एक दिन पहले वैसे कुक कर लिया था रात के को कु, कुक कर लिया था सुबह के लिए वापस आके मैंने बहुत सारे आज जो काम थे जो मैंने करने थे उनमें से यह एक दाल वगैरह मैंने रात भी घो दी थी जो मैंने भल्ले बनाने हैं ये फ्रूट वगैरह मैंने आते ही काट लिए इसको भी मैंने ना चीनी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है अनानास और ऑरेंज का मैं बनाऊंगी इसी तरह स्ट्रॉबेरी का और लेमन का मैं बनाती हूँ बीच में वो पुदीना वगैरह डाल के अनार का आप बना सकते हैं तो इसके इस इसको ग्राइंड करके इसके क्यूब्स बना के तो अफ्तारी के टाइम ना एक दो तो, तीन क्यूब्स लें आप सादा पानी में डालें थोड़ी सी चीनी काला नमक डालें तो इस तरह से आपका एक ड्रिंक रेडी हो जाएगा उसके अलावा मैंने आज जितने भी मैंने मसाले की जो थी ना ये जो छोटे छोटे जो मैंने रखे हुए हैं जार से इनको मैंने आज अच्छी तरह से निकाल के रिगाल से धो के इसको साफ़ करके इनके अंदर दोबारा दोबारा नए सिरे से जो मसाले थे वो सारे भर के तो इनको भी मैंने आज सेट करके रखना है जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं आ, साथ साथ में मैंने फिर चाट मसाला जो मैं भल्लों के लिए खुद बनाती हूँ ना वो भी मैंने सोचा कि चलो मसाले जो आज मैंने फिलिंग की है सारे मसालों की जो ग्राइंड करने वाले थे उन्हें ग्राइंड कर लिया तो मसाले सारे मैं ना बेसमेंट से ऊपर लेके आई हुई थी तो सोचा कि चलो चाट मसाला भी बना लूँ उसके लिए ये वाली ज़्यादातर तो वैसे वो जो बटन वाली होती है ना रेड वाली लाल मिर्च गोल वाली वो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे पास थी नहीं ये वाली जो मिर्च है ये भी काफ़ी तिखी है है तो थोड़ी कह लें कि ये बड़े वाली है लेकिन ये काफ़ी तिखी वाली सही शाफ वाली मिर्चें हैं इनको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेना है हल्का सा तब फाने के अंदर ना इसको मैंने हल्का सा फ़्राई कर लेना है और उसके बाद इक्वल क्वान्टिट्टी में दो चम्मच मैंने धनिया लिया था पाउडर साबुत धनिया सॉरी और दो चम्मच ही मैंने जीरा लिया था और उसको मैंने हल्का सा सेको फिर बाद में उसको ग्राइंड कर लेना है इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर जाएगी टाटरी पाउडर जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं वैसे मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड की थी सिर्फ यही और इन चारों पांचों चीज़ों को रगड़ के ग्राइंड करके तो चाहे तो आप छान लें लेकिन मुझे वैसे मोटा मोटा पसंद है मैं इसको साबुत ही मोटा मोटा ही रखती हूँ और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करती तो ये मेरा चाट मसाला जो भल्लों के लिए ना ये इस तरह से मैंने रेडी करके रख लेना है इसके अलावा मैंने आज जो जैसे पहले पर मैंने जिक्र किया हुआ है माश की दाल और मूँग की मैंने मिक्स करके भिगोई हुई है उसके आज मैंने भले बनाने हैं ये भी हमेशा मेरे फ्रीज़र में पड़े हुए होते हैं और तो ये देखें जी ये फल है ऑरेंजेस थे और मैंने अनानास लिया था इसे थोड़ी देर के लिए मैंने ना चीनी लगा के तो थोड़ी देर पड़ा रहने दी है बाद में इसको ग्राइंड कर लेना बहुत सिंपल सा इजी वे है चाहे तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन विस्कना डाल सकते हैं अच्छा मैंने जब ये सर्व करना है ना तो दो तीन ये क्यूब्स इसके डालूंगी बाद में थोड़ा सा काला नमक डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट अगर दिल किया तो थोड़ा सा पुदीना वगैरह डाल के थोड़ा सा नींबू का रस डाल के तो बहुत मज़े का ये ड्रिंक बन जाता है आप चाहें तो इसे उसमें सुप्राइट में भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन पानी में ज़्यादा मज़े का लगता है ऐसे ही मैंने सेम इसी तरह का मैंने अनार के साथ भी बनाना है और स्ट्रॉबेरी के साथ भी बनाना है अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैंने अब बना लेने हैं आज तो मैंने ये तैयारी अपनी डन कर लेनी है जैसे रमज़ान का ये इस तरह की ड्रिंक वगैरह तो बंदा इतना को टाइम नहीं लगता तो रमज़ान शुरू भी हो जाएगा इन सुबह हो जाना है तो फिर साथ साथ भी बना के बंदा रख लेता है चाट मसाला मेरा रेडी हो गया है ये है दही बड़ा चाट मसाला आ, ये फल आ, उसके ऊपर जो आ, फलों वाली चाट बनती है उसके लिए नहीं है ये दही भले चाट जो है ना उसके लिए पापड़ी चाट हो जाए उसके लिए मैं वैसे सारा कुछ बना के रखती हूँ अच्छा जी ये जो जार है इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है मशीन चूँकि मेरी जो डिश वॉशर थी वो ऑलरेडी ऑन थी इसलिए भी मैंने इन्हें हाथ से धो लिए डिश वॉशर में बहुत अच्छे ये वॉश हो जाते हैं लेकिन मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ना था मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैंने इन्हें हाथ से धो के अच्छी तरह से खुश कर लिया है बहुत अच्छी तरह से खुश करना पड़ता है इन्हें तो इस तरह से मैंने अपना ये मसालों वाला जो रिगाल है ना ये अलमारी है इसको मैंने सेट कर लिया है साबुत मसाले ऊपर ग्राइंड किए हुए हैं साइड पे ये जो वाइट पलें हैं इनमें शुगर है पत्ती है और सौंफ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो चाय के लिए यूज़ होती है ना वो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं अच्छा जी ये दाल जो मैंने जब भिगोने से पहले मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से यानी कि क्या क्वांटिटी रखनी है ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने चाहे तो आप अकेले मूंग की दाल के बना लें बन चाहे इन दोनों को मिक्स करके बना लें खाली माश की दाल के बना लें मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मूंग और माश मिक्स करके बनाती हूँ अक्सर वैसे माश के अकेले भी बनते हैं हमारे घर में सिर्फ माश की दाल के लेकिन मूँग और माश जो है ना वो वो जूद हजम जल्दी मूँग की दाल जल्दी हज़म हो जाती है तो इस तरह से फिर मैंने ये इन्हें रात पूरी भीगे रहने दी था दाल अपने साइज में डबल हो जाती है काफी भूल जाती है और पानी सारा सोख कर लेती है और बाद में इसको ग्राइंड कर लेना है आपने अच्छा जी इस तरीके के जो बने हुए भले हैं ना इनमें ना तो घुटली रहती है ना ही ये हार्ड होते हैं बहुत ही सॉफ्ट अभी आप देखिएगा जब वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं सही क्रंची से होते हैं उसी टाइम मैंने बनाए थे थोड़े से और इतने सॉफ्ट थे मक्खन की तरह मलाई की तरह सॉफ्ट भले बने थे आ, ये रेसिपी यहाँ तक पहुँचने में मैंने काफ़ी टाइम मुझे लग गया है मैंने कई दफ़ा भले बनाए हैं कई दफ़ा अंदर गुटली भी रह जाती होती थी फिर वो उसे ज़ाया किया है लेकिन एंड पे आखिरकार ना ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ फिर मैंने ट्राई की है तो ये यूट्यूब पर भी मैंने देखा है चंद एक टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसे जिनकी वजह से ना ये दाल अगर आपने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट इसको आपने किया हुआ है ग्राइंड तो एक तो वो है और दूसरा ये कि आपने इसको इस तरह से ये जो हैंड मिक्सर है ना इसके साथ इसके अंदर आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है अगर तो आपके हाथों में ताकत है तो आप हाथों से फेंट लें।, लें लेकिन मैं मेरे भी हाथों में जान नहीं है मैंने इस तरह से हैंड मिक्सर से एग बीटर जो है ना इसके साथ बहुत अच्छी तरह से इसे फेंट लिया था इतना फेंटना है कि दाल जितनी आपने ग्राइंड किया ना उससे कह लें कि डबल हो जाए और तकरीबन दस मिनट आप इसे हैंड मिक्सर साथ फेंटे और फिर बाद में पानी वाला भी एक ट्रिक है कि पानी के अंदर डाल के देखें अगर ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से फिट गई है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है कोई मीठा सोडा नहीं डाला इसके अलावा और कुछ नहीं मैंने डाला सिर्फ नमक डाला है वो भी थोड़ा सा क्योंकि अगर मीठे भले बनाने हो ना तो फिर ज्यादा नमक इनमें हो तो वो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा मैंने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाला है हमारे घर में मीठे भी बनते हैं और ये जो दूसरे मसाले वाले हैं नमक मिर्च वाले वो तो बनते ही बनते हैं जैसे सभी घरों में बनते हैं तो ये देखें इस टाइम बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे अच्छा इन्हें कोई टाइम भी नहीं लगा और ये ऑयल भी इस तरह से बहुत ज़्यादा ये नहीं सोक नहीं करते हैं अगर फिटा हुआ है ना आपका ये जो पेस्ट है ये जो दाल है ये अगर बहुत अच्छी तरह से फिटी हुई है तो फिर ये कम बहुत कम ऑयल यूज़ होता है बहुत कम ऑयल लगता है और बहुत जल्दी ये भले फ्राई हो जाते हैं इनको पहले मुझे याद है जब मैंने नैने बनाने शुरू किए थे तो मैं ऊपर से चम्मच इन्हें दबा दबा के कि अंदर से अच्छी तरह से दाल पक जाए हालाँ उसकी वो मैं गलत थी अब कह लें कि बड़े अरसे के बाद ये दो तीन साल हुए हैं कि अब मेरे भल्ले बनना अच्छे हुए हैं पहले बनना मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किए क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ भल्ले मुझे बहुत पसंद है आ, मेरे जितने भी मेरे जानने वाले हैं ना मुझे मेरे घर में उन सबको पता है कि दही भल्लों के बगैर नहीं मैं रह सकती तो ये देखें आप कितने सॉफ्ट है ना स्पंज की तरह हैं फूले फूल से हैं और ये नहीं है कि अंदर कच्चापन नहीं था इनका मैंने खा के ऐसे ही यानी बग़ैर जैसे निकले थे ना फ्राई होकर निकले थे तो मैंने खाया मुझे बहुत मज़ा आया अंदर तक गले हुए थे तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी क्वांटिटी में बन गए थे दाल अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी भी घोई थी लेकिन ये है तकरीबन कह लें कि आधा किलो दाल थी जिससे माशाल्लाह से काफ़ी बन गए हमारा बड़ा अच्छा ये रमज़ान मुबारक भी गुजर जाएगा और बाद में भी यूज़ करने के लिए ना ये काफ़ी क्वांटिटी में बन गए हैं ये रहे हैं जो मैंने धो के कुछ मैंने तब धो लिए थे कुछ अभी बाद में बचे हुए थे तो उनको मैंने धो के इन्हें मैंने वो पीछे फेंस बंक पे रख देना है बाद में ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर इनको ना मैंने नीचे बेसमेंट में पहुंचा देना है ये जो मैंने अभी फल पहले ग्राइंड किया था ये उसके क्यूब्स हैं इनको मैंने इस तरह से पैकेटों में डाल के तो इसे भी फ्रीज़र में रख देना है अब आ जाएँ लहसुन अदरक मैंने ना काफ़ी क्वांटिटी में हस्बैंड लेके आए हुए थे तो उसे छीन लिया सारा और इसको इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल के कुकिंग ऑयल डाल के इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पी, पीस लिया है ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से क्यूब फॉर्म में ना ये भी अब आ, आ जाएगा इसे भी मैंने अब सेव कर लेना है अच्छा लहसुन अदरक के पेस्ट की कोंटिटी ये है कि अगर लहसुन एक कप है तो हाफ कप आपका अदरक होना चाहिए यानी वन एंड हाफ का इसका रेशो होता है अब आ जाएँ जी फाइनली मैंने जो कबाब नाक रखने ना एंड uh, मैंने उनको भी दोनों को रेडी कर लिया है ये चिकन के हैं और साथ में आपको जो नज़र आ रहा है वो बीफ के कबाब हैं मैथड इनका वही है जैसे मैंने बीफ के बनाए वैसे चिकन के हैं चिकन में थोड़े से मिर्च मसाले में थोड़े ज़्यादा रख लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा फीका सा होता है गोश्त और बीफ के भी लेकिन हमारे घर में वैसे स्पाइसी ही चीज़ें बनती हैं इस तरह से मैंने इन्हें सीखों पे लगा के निकाले ने कुछ मैंने लंबे कबाब बनाए थे कुछ मैंने चपल कबाबा टाइप के बनाए थे इसी अमेज़े से मैंने चप्पल कबाब भी बनाए थे हरीसा वगैरह के लिए अगर आपने कबाब छोटे बनाने हैं तो वो भी इसी अमेज़े से बन जाते हैं कोफ्ते भी आप बना सकते हैं इसी अमेज़े से ये जो मैंने अभी आ, कीमा रेडी किया है अच्छा माशाला ये इतने काम थे ये तकरीबन कह लें कि मैंने दो दिन की जो वीडियो है ना इसको मैंने कंबाइन कर दिया है क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन ही रहूँ किचन में लेकिन वीडियो को चूँकि माशा से सुबह पहला रोजा है आज हम त्रावियां पढ़ के आए हैं और सुबह इन पहला रोजा हम लोगों ने रखना है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जितनी भी तैयारी की है ना जितनी मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए आ, कोई आइडिया मिले जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम लोगों को ये जो हम लोग प्रदेश में रहते हैं ना हमें भी इस तरह से बहुत सहूलत हो जाती है जैसे मेरी अभी छुट्टियाँ नहीं है मैंने जॉब पर भी जाना है कंटिन्यूसली मैंने जाना ही जाना है तो फिर रोजा रख के वापस आके फिर इतना काम नहीं होता है इसलिए फिर ना बहुत सारे काम हम लोगों ने खत्म मैंने खत्म कर लिए हैं थकावट मुझे बहुत हो गई है आ, आ, लेकिन ये है कि मुझे ये पता है कि माशाल्लाह से रमजान में अब मैं आराम सुकून से ना माशाल्लाह से अपनी इबादत कर सकती हूँ नमाज तरावी और कुरान पाक की तिलावत जब जब जब, जब भी पॉसिबल हो सका नवाफिल वग़ैरह जो भी है ना आराम सुकून से बंदा पढ़ सकता है काफ़ी इस तरह से भी मेरी हेल्प हो जाती है अभी तो मैंने देर से ही तैयारियाँ करनी शुरू की थी और अब एक दो चार दिन में मैंने जो कुछ कर सकी हूँ मैंने फ्रीज कर लिया है बाकी जो है साथ जो पकता जाएगा वो तो साथ साथ ही है आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी आई होप आने वाला रमज़ान आप सबका बहुत ही अच्छा गुजरे अल्लाह ताला सबको ज्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की और सदक़ा खैरात करने की इबादत करने की तफीक दे हम सब के लिए ये आने वाला ये जो महीना है ना अपनी बरक़ात लेके आए नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़